अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज सना, आई एम योर मैथ्स टीचर. क्लास, टेक आउट योर मैथ्स कॉपीज. हरी अप, तमाम बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपीज निकालें. लास्ट टाइम हमने जो है वो बुक वर्क किया था, बुक का काम किया था. बुक का हमारा मंथ ऑफ जुलाई जो है कंप्लीट हो गया है. आज हम जो है वो कॉपी वर्क करेंगे. कॉपी वर्क भी इंशाल्लाह हमारा कल जो है वो मंथ ऑफ जुलाई का कंप्लीट हो जाएगा. तो आप लोगों ने जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है काम. आज आप लोगों ने कॉपी निकालनी है. ओपन योर कॉपीज. आप लोगों ने लास्ट टाइम जो मैंने कॉपी का काम करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को जो है वो फॉरवर्ड काउंटिंग करवाई थी 51 से 100 तक. आज मैं आप लोगों को बैकवर्ड काउंटिंग करवा रही हूँ. जिस तरीके से फॉरवर्ड काउंटिंग आप लोगों ने करी थी इसी तरीके से आप लोगों ने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. फॉरवर्ड काउंटिंग का आपको पता है कि फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब क्या है कि मूव फॉरवर्ड मतलब कि आगे की तरफ जाना, और बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब कि पीछे की तरफ. तो अब आपने जो है ये बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. बैकवर्ड काउंटिंग करने के लिए आप लोगों के सामने ये जो है आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने लाइन्स ड्रॉ करनी है. जिस तरीके से आप लोगों के सामने हुई हुई है आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है. आपने डेट डालनी है, डे लिखना है, देन फिर आप लोगों ने जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. बैकवर्ड काउंटिंग आप लोगों की है 100 से 51 तक. फॉरवर्ड काउंटिंग हमने 51 से 100 तक की थी. अब उसी को उल्टा कर दें, बैकवर्ड कर दें, तो हम लोग किससे कर रहे हैं 100 से 51 तक. ओके, अब आप लोगों ने इसी तरीके से जो है ये आप देखें. हम आप लोगों ने देखा कि ये टी यू लिखा हुआ था जिसका मतलब कि 10, टी मतलब 10 और यू का मतलब यूनिट, 10 और यूनिट. इस तरीके से आप देखें यहाँ पर एक एच आया हुआ है, एच मतलब 100. तो 110 यूनिट. आज हम जो है वो 100 तक ला रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमारा ये भी हो गया है. तो आप लोगों ने ये जो है 100 से कम्प्लीट करनी है एंड स्टार्ट करनी है. 100 आप लोगों ने जल्दी जल्दी लिखनी है अपनी कॉपी में. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 90 पे आ जाएंगे. आप लोगों ने इसी तरीके से लाइन भी छोड़नी है. जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन स्किप की आप लोगों ने भी इसी तरीके से करनी है. और बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करना है. आप लोगों के सामने ये पेज शो हो रहा है. उसके बाद आप लोगों ने 90 की लाइन करनी है, उसके बाद 80 की, उसके बाद 70 की. इस तरीके से आप लोग जो है वो 60 वाली लाइन पे आएंगे. ये आप लोगों ने जो है ये 51 तक कंप्लीट करनी है. दूसरे पे अगर ये देखें मेरे पास एक पेज पे कंप्लीट नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया है कि मैंने नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर दिया. तो आप लोगों ने भी यही करना है. आप लोगों ने भी जो है वो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर देना है. एक पेज पे जितना आ रहा है उतना करेंगे. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है, दूसरा पेज यूज करना है, उस पर काम करना है. ओके, ये बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने जो है 4 का टेबल करना है. आप लोगों ने डेट डालनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, डे लिखना है और 4 का टेबल लिखना है. 4 का टेबल आपके सामने शो हो रहा है. टेबल 4 का लिखना है. आपने क्वेश्चन लिखेंगे इस तरीके से. फिर 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 28 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40. सही है, ये आप लोगों ने करनी है. 4 का टेबल आप लोगों ने करना है. उसके बाद आप लोगों ने जो है ये करने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि आपने अपनी कॉपी में करना है. आप लोगों ने पहले जो है वो फॉरवर्ड काउंटिंग की थी लास्ट टाइम कॉपी में. उसके बाद आप लोगों ने फॉरवर्ड काउंटिंग के बाद आपने आज फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. बैकवर्ड काउंटिंग मैंने अभी आपको शो करवाई थी. उसके बाद आप लोगों ने वो काम करने के बाद आप लोगों ने पेज टर्न करना है. पेज टर्न करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने 4 का टेबल लिखना है. 4 का टेबल लिखने के बाद आप लोगों ने डायरी निकालनी है और डायरी में आप लोगों ने लिखना है मैं आपको डायरी आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगी. अभी भी मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही ओरली कि आप लोग लिख लीजिएगा बाद में. आप लोगों ने डायरी में लिखना यह है कि आप लोगों ने टेबल याद करना है जो आप लोगों की 4 का टेबल आज लिखेंगे काम करेंगे. यही आप लोगों ने जो है वो याद भी करके आना है. कल मैं सब बच्चों का जो है वो ओरली टेस्ट होंगी इसका. अच्छे बच्चों की तरह जो है आप लोगों ने याद करके आना है. ओके, 4 का टेबल 2 3 का याद कर लिए. आज हम लोग जो है वो 4 का याद करेंगे. अपनी डायरी में लिख लीजिएगा और जल्दी से